हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी आलू चाट, जिसे हमने बिना कुकिंग के बनाकर तैयार कर लिया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक आलू। अब हम इसके पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। आपको यहाँ पर जितनी भी चाट बनानी है उस हिसाब से आप आलू कट कर सकते हैं, और जितना मोटा बड़ा जैसा चंक्स आपको कट करना हो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा चाट दिखती है हमारी। तो इसे हमने प्लेट में अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, मैं विदाउट ऑयल की बना रही हूँ। अब इन्हें हल्का सा नमक डाल देते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब भी आपके घर में कुछ चटपटा खाने का मन करे और आपको कुछ ना भी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है मीठा वाला दही, जिसमें हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है दही में और अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक हमने स्प्रिंकल कर लिया है। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर लीजिए, रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर लीजिए, धनिया पाउडर स्प्रिंकल कर लीजिए। जो भी मसाले आपको पसंद हो वो आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इमली की चटनी डालेंगे। आपके पास धनिया की चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी एंड क्विक ये बनकर तैयार हो जाता है। चॉप किए हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, प्याज टमाटर या फिर आप इसमें गाजर भी थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ केवल प्याज और टमाटर लिए हैं। मिर्च डाल दी है अपने स्वाद के अनुसार, आपको जितनी पसंद हो आप ले सकते हैं। चॉप की हुई हमने धनिया भी डाल दी है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर दही और डाल देते हैं। आप यहाँ पर दही मीठा या नमक जैसा पसंद करते हो वैसा ले सकते हैं। इमली की चटनी भी हमने इसमें डाल दी है, नमक भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो बहुत ही इंस्टेंट ये देखिए बन गई है हमारी चाट। तो केवल 5 मिनट के अंदर बिना कुकिंग के हमने इस चाट को बनाकर तैयार कर लिया है। मार्केट वाला लुक देने के लिए हमने इसमें डाल दी है बारीक वाली सेव। आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी चाट, जिसे हमने बिना कुकिंग के बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।